ये बट ब्रेक उस समय इतना विशाल था कि 15 किलोमीटर के एरिया में फैले होते हैं ये बट ब्रेक। ये है जी राधा कृष्ण का विवाह स्थल। तो आगे दिखाते हैं और इसके बारे में आपको पूरा विस्तार से बताएंगे, इसका पूरा इतिहास यहाँ पे जो पंडित जी हैं उनके माध्यम से एक बार आपको पूरी झलक दिखा देते हैं। ऐसे 16,108 रानी है। प्रसाद की क्या मान्यता है यहाँ पे? बड़ी लंबी यात्रा करके इस वक्त हम पहुंचे हैं बांडीरवन श्री राधा कृष्ण विवाह स्थल। और यहाँ पे देख सकते हैं आप प्राचीन मंदिर श्री श्री राधा कृष्ण की पौराणिक विवाह स्थली बांडीर बिहारी। और ये है त्रिवेणी कूप, इसको श्री कृष्ण जी ने अपनी वंशी से प्रकट किया था। इसमें लिख भी रखा है कि इस कूप के जल में सभी तीर्थ विराजमान हैं, यह केवल आचमन स्नान के लिए है। इस जल से कुल्ला हाथ पैर धोना पराधा, अपने जूते चप्पल बाहर उतारें। तो आप देख सकते हैं, एक बार पास से आपको दिखाते हैं, तो इससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं इसके पानी से। और इस साइड बोर्ड लग रहा है, देख सकते हैं आप, प्राचीन मेन मंदिर श्री राधा कृष्ण विवाह मंडप। ये भी अंदर चल के दिखाएंगे, उससे पहले आपको दिखा देते हैं प्राचीन शिव मंदिर इस साइड है। और ये है संतोषी माता का मंदिर इस साइड में। बोलिए शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। तो ये क्या चीज है बाबा जी? ये शादी का गठबंधन है, ठीक है, यानी ब्रह्मा जी ने इस वृक्ष को यानी भांडीर वट को साक्षी करके ही राधा कृष्ण का विवाह कराया था। ठीक है, तो इस वृक्ष में जैसे शादी में गठजोड़ा बांधते हैं बरवधु का, तो ये गठबंधन, ये दोनों का हस्त मिलन जैसे हाथ पकड़ते हैं, ये दरवाजे जैसा, जी जी, और ये चार खम्भे का मंडप, ये इस वृक्ष में भाव है। अच्छा, और इस वृक्ष के बारे में श्रीमद् भागवत में, पद्म पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, गर्ग संहिता में, कई पुस्तकों में वर्णन आया है वृक्ष का जी। और शादी के बारे में हरिवंश पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में और गर्ग संहिता में आया है जी। और ये जो वृक्ष है साइड, ये पूरा एक ही है। अच्छा, एक ही हो गया है। ये भांडीर वन, भांडीर वन, हाँ, इधर माला डालती हूँ विग्रह ठाकुर जी का जी, उसमें शादी वाला है। अच्छा, वो शादी वाला है। हाँ, ये तो कितने साल पुराने है वृक्ष? हमें बता तो रहा हूँ, पद्म पुराण में तो ऐसा वर्णन है जी कि भगवान कृष्ण भांडीर वट की शाखाओं पर चढ़कर की जमुना आर पार करते हैं जी, इतना विशाल था। अच्छा, और श्रीमद् भागवत में 2 श्लोक आए हैं, उसमें दिया है कि ब्रहंतो, मैं बता रहा हूँ दाऊ जी के बारे में, ढोके लाए हैं जी जी जी। ब्रहंतो माने होता है लादते हुए, ढोते हुए। ब्रहंतो बाह्य मानस्य चार यंत्र गोदनम भांडीर कम नाम बटम जम्बू कृष्णा प्रो। और एक जब मुंज वन की अग्नि का पान किया है भगवान ने जी, तब के बारे में वर्णन दिया है कि मुखे नगिनिम पित्वा भांडीर वटम पुनः अधय आगता, इस तरह था वो वट रखे। तो ये कह रहे हैं कि कोई 6,000 वर्ष पुराने हैं, कोई 7,000 वर्ष पुराने हैं। हाँ जी, तो मतलब शास्त्रों के अनुसार है, लेकिन अब भी ये कम से कम ज्यादा नहीं तो 1,000 वर्ष की तो इसकी आयु होगी। और जो साइड में वृक्ष है उसकी क्या? वो एक ही है। अच्छा अच्छा, ये सभी एक ही कंबाइंड है सर। अच्छा अच्छा, हाँ। और जो उस साइड में मंदिर है उसकी क्या मान्यता है? वो मंदिर भांडीर बिहारी जी, भगवान उधर नृत्य की अवस्था में है, हाँ। अपना लेफ्ट हैंड ऐसे ही करते हैं जी, तो वहाँ भाव लगा रहे हैं कि माला मांग भर रहे हैं जी जी जी। लेकिन ये मैं कहूंगा कि यहाँ भांडीर वन में राधा और कृष्ण ने एक दूसरे का श्रृंगार किया है, किया तो यही विवाह हुआ। हाँ, अच्छा, जो ये कहते हैं कि मतलब शादी नहीं हुई है तो ना, ना, वो ना। मतलब धारणा, और फिर भी देखो शादी एक लीला में बाल रूप में हुई, बाल रूप में, क्योंकि राधा और कृष्ण कोई दो तत्व नहीं है जी जी, एक तत्व है। क्योंकि राधा जो गोलोक वासिनी राधा है ना जी, वो तो भगवान के वाम अंग से प्रकट हुई है जी, इसलिए कहते हैं एक प्राण दो देही ऐसे परम सनी जी, और भगवान की आलादनी शक्ति है। राधा कवच में चलो तो राधा कवच में लिखा है कि आराधित आराधिका नूनम एनम न संशय, यानी भगवान कृष्ण की राधा रानी आराध्य इष्ट है, भगवान उन्हीं का चिंतन करते रहे। यात्रियों का आवागमन यहाँ रहता है जी भादों क्वार कार्तिक में। अच्छा, क्या क्या चढ़ावा चढ़ता है यहाँ पे? यहाँ पे राधा रानी के श्रृंगार का चढ़ता है जी, ठाकुर जी के ये मतलब माखन में श्री भोग प्रसाद का चढ़ता है जी, और सबसे मेन बात यहाँ पे जिन माता बहनों की संतान नहीं होती है वो अपना मनोरथ मांगती हैं तो उनका मनोरथ पूरा होता है, तो यहाँ पे स्वस्तिक वगैरह लगाती हैं, उनके स्वास्थ्य की जगह चांदी का नमूना लाते जी।
यही यहाँ की सेवा है। ये तो दाऊ जी का मंदिर है जी। दाऊ जी ने यहाँ भांडिर वन में एक प्रलम्ब नाम के राक्षस का वध किया था जी, जो कि कंस ने एक ग्वाल के रूप में भेजा है। भगवान अपने ग्वाल वालों में खेलने में मग्न है, आकर के ग्वाल वालों में धोखे से मिल गया। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, कण कण व्याप्त है, उसको पहचान जाते हैं जी। परंतु भगवान को तो अपनी लीला को आगे चलाना है, तो अपने सखाओं से पूछने लगे, मधुमंगल, मनसुखा, श्रीदामा, गल, सबल, भद्र, ये नया लड़का कौन आया है? तो सभी ग्वाल कहने लगे, भैया काना जब से ही हमें शामिल हुआ है तब से हमको बड़ी हेय दृष्टि से यानी घूर घूर के देख रहा है, ये अपरिचित है, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते जी। तब कन्हैया जी उसको अपने पास बुलाते हैं और बोले, तेरा मतलब क्या है, मतलब बता। तो बोले, भैया मतलब कुछ नहीं है, खेलने की इच्छा से आया हूँ, खिला लो मेरे को जी। तो भगवान कृष्ण बोले, खिला तो मैं तुझे लूंगा, लेकिन खेलने में मैं शर्त रखूंगा जी। अगर मेरी शर्त मानता है तो आगे मान, नहीं तो आगे बढ़। बोले, भैया शर्त क्या है? शर्त यह कि दो टीम बनेंगी, जो टीम हारेगी वो जीते हुए को अपने कंधे पे या पीठ पे उठा के चलेगी जी। बोले, मुझे मंजूर है, और पहली बात। दूसरी बात यह कि मेरा भैया बलराम बहुत बलवान है, तो तुझको मेरी तरफ रहना पड़ेगा जी। बोले, ये भी मुझे मंजूर है। अब भगवान कृष्ण ने दो पारी बनाते हैं, एक दाऊ जी की टीम का, एक अपनी टीम का, और खेल शुरू कराते हैं। तो कन्हैया जी खुद जानबूझ के हार जाते हैं जी, क्योंकि अपने भैया से उसका उद्धार कराना है। अब शर्त जो रखी थी ढोने ढोवाने की, उसके मुताबिक श्री दामा को स्वयं बुलाकर कन्हैया ने और अपने कंधे पर बिठाया जी। अब दाऊ दादा प्रलम्ब पर सवार होते हैं, ठीक है, और आपस में एक दूसरे को अपना सका ले लेके चलने लगे। तो कुछ दूर तो वो ग्वाल वालों के साथ इलमिल की रहा है, फिर एकदम दाऊ दादा को लेके आकाश मार्ग को भग रहा है जी। तो दाऊ दादा बोले, क्या कर रहा है भाई? कि अब तो तू मेरे कब्जे में आ गया, तुझे कंस के पास ले जाऊंगा जी। तो दाऊ दादा तो शेष भगवान है, धरणीधर है, इतना वजन बढ़ा देते हैं कि उससे सहन नहीं होता है जी। आकर जमीन पर धड़ाम से गिरता है और छटपटाने लगा, तो एक उसके सर पर मुक्का मार दिया जी, और उसका प्राणांत करके यहाँ पे विश्राम किया है। यानी दाऊ जी ने प्रलम्बासुर उद्धार लीला की है। तो ये बलराम जी की मूर्ति, बलराम जी, जी जी। तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि राधा कृष्ण की शादी हुई है। हाँ जी, पक्का। और कई कहते हैं कि उनकी शादी नहीं हुई, उनकी शादी रुक्मणी से हुई है। जिसको रियल में सोची जाए ना जी, तो मात्र शादी उनकी राधा जी से ही हुई है, और किसी से शादी भी नहीं हुई है जी। देखो, रुक्मणी की अक्षर बोलते हैं, तो रुक्मणी का हर करके लाए थे, ये सबको मालूम है, जगत जाहिर है जी। द्वारिका में जाके चाहे कुछ भी किया हो, और देखो सत्यभामा इसमंतक मणि का दोष लगाया था कन्हैया पर, चोरी का जी, तब सत्यभामा को अर्पण किया गया। जामवंती प्राप्त करने के लिए जामवान से 27 दिन युद्ध किया कन्हैया ने जी, क्योंकि जामवंती राम राज्य के थे। जब राम रावण का युद्ध पूरा हुआ तो जामवंती ये कह रहे थे कि हो गया पूरा युद्ध, अभी तो हमारी भुजा फड़क रही है। तो तभी बलराम जी ने सोच लिया कि तेरी भुजा भी फड़कना बंद करूंगा जी। तो कृष्णावतार में 27 दिन युद्ध किया, ठीक है। जब 27 दिन युद्ध करते करते हो गए, तो जामवंत जी बोले, भैया तुम हो कौन? शरणागत हो जाते हैं जी। बोले, भैया तुम हो कौन अपने मुझे? तब श्री राम जी अपना धनुष वहां लेके प्रकट हुए हैं। बोले, प्रभु आप इसी रूप में पहले क्यों नहीं आए थे जी? कि भैया तुमने ये बात कही थी कि भुजा फड़क रही है, तुम्हारी भुजा फड़कना बंद हुआ कि नहीं हुआ पहले ये बताओ। क्या हो गया प्रभु? अपना आने का कारण बताओ। बोले, हम पे इस मंतक मणि का चोरी का दोष लगाता, हम उसको ढूंढते ढूंढते तुम्हारे तक आए, वो तुम्हारे पास पाई है जी। तो हमने अब इस मंतक मणि को तुम्हारी लड़की से लेना चाहा, तो उसने एकदम शोर मचा दिया, आपने अब किया ना तक किया, उन पर टूट पड़े। तो बोले, भैया ये मेरी अपनी ये मणि पकड़ो, और मेरी धरोहर है, इसको भी ले जाओ। जामवंत जी को अर्पण कर दिया, और ये कालिंदी पूर्वजन्म की विरजा है, इसने तपस्या करके लिया है। सत्या के पिता ने ये कहा था कि जो सात बैलों को नाथेगा उसके साथ शादी करूंगा जी। तो भगवान ने सात बैलों को नाथा था, और नगन जीती, भद्रा और लक्ष्मणा, इन तीन के स्वयंवर जीते हैं। ऐसे 8 तो ये पटरानी हुई है, और 16,100 नरकासुर भौमासुर था, उसके कारागार से मुक्त कराई थी। तो वो बोले गए, हम किसी को नहीं जानते, आप हमारे हम तुम्हारे, ऐसे 16,108 रानी है, विवाह किसी के साथ नहीं, 16,108 रानी है, 108 रानी, और सबके 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री, फिर भी भगवान काम है। यानी वो तो अवतारी है, लीलाधार है, लीला करने आते। ये बट ब्रेक है जो आप देख रहे हो राधे जी जी, ये बट ब्रेक उस समय इतना विशाल था कि 15 किलोमीटर के एरिया में फैले होते हैं ये बट ब्रेक। अच्छा, ये वृंदावन तक जाता था।
भगवान श्री कृष्ण और ग्वालवाल इन्हीं लता पताओं पर चढ़ के यमुना को आर पार करते थे, वो वट वृक्ष है ये। जी जी जी। प्रसाद की क्या मान्यता है यहाँ पे? यहाँ पे जो प्रसाद का प्रचलन है ना जी, वो ये है कि भगवान कृष्ण के समय में जी इस भांडिर वट के वृक्ष के नीचे जी गोपिकाओं ने दुर्भाषा जी को भोजन कराया था जी, बलराम कृष्ण को ब्राह्मण पत्नियों ने कराया है। भगवान अपने ग्वाल सखाओं के साथ नित्य प्रति भोजन कौतुक किया करते थे, इस वजह से यहाँ के ये भोजन का प्रसाद का महत्तम है।